स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन स्टार्ट करें। लेसन वन, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अभी तक हमारा लेसन थ्री और लेसन फोर कंप्लीट हुआ है, जिसका 1 to 8 वीडियोस कंप्लीट हुआ है। अब हम दोबारा स्टार्ट करें वीडियो वन फ्रॉम लेसन वन। मतलब आपको ये वीडियो वन से याद रखना है। हमारा एक फर्स्ट लेसन है, इससे पहले हमने लेसन थ्री और लेसन फोर कंप्लीट किया है। लेसन वन है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है, तो आप 11th में ऑलरेडी BA टॉपिक के अंदर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पस के ओरिएंटेंस थ्रू हमें पार्टनरशिप को समझेंगे और उसके बाद हम समझ पे जाएंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसका बोर्ड में टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? टोटल 4 मार्क्स का, जो दो सेक्शन में आएगा, ए सेक्शन एंड सी सेक्शन। ए सेक्शन में 1 मार्क का MCQ आएगा और सी सेक्शन में 3 मार्क का क्या आएगा, सम आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मैं थियोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको MCQ पर्पस ही लर्न करनी है, या रहेगा लॉन्ग थियोरी कभी नहीं आएगी। डन। अब देखो, इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट फर्स्ट टाइम 1932 में अप्लाई हुआ। कब, कौन सी डेट पे हुआ? 1932। प्लीज ये याद रखना है, क्योंकि ये MCQ में पूछा जाता है बहुत बार। इन पार्टनरशिप एक्ट फर्स्ट टाइम फॉर्म बाय इंडिया इन 1932, याद रहेगा। अब जो हमारा लेसन है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो, तो देखो मैंने लिखा है मीनिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग हम समझे तो क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होके कोई भी लीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बराबर, तो वो बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, याद रहेगा। अगेन आई रिपीट, दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होके जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, याद रहेगा। जो लोग इकट्ठा होकर बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। वो बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और वो जो लोग इकट्ठा होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर। सिंपल मीनिंग में समझा रहा हूँ दोबारा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या हो, दो या दो से ज़्यादा लोग, लेकिन एज पर कंपनीस एक्ट 2013 उसकी मैक्सिमम लिमिट 100 की रखी हुई थी, लेकिन 2014 में उसको रिवाइज करके अब वो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट हो गई है 50। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पर्सन्स इकट्ठा होकर जो भी बिजनेस स्टार्ट करते उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, और वो पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। क्लियर। अब मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है 11th में हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एक ही पर्सन पूरा बिजनेस को हैंडल करता था, बिजनेस को ऑपरेट करता था, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस खुद ही सफर करता था। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। अब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा जब बिजनेस करते हैं, तो एज पर 1932 एक्ट सबको कंपल्सरी क्या करना होता है, एग्रीमेंट तैयार करना होता है। बिना एग्रीमेंट जनरली कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप में, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी पार्टनरशिप फर्म आपको स्टार्ट करनी है, तो सब पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में भी होता है और रिटन फॉर्म में भी होता है। जैसा हर एक पार्टनर्स का फ्रेंडली या फैमिली रिलेशन के बीच में हो, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, ओरल फॉर्म में रखते हैं, और जो बाहर के जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, वो लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में रखते हैं। मतलब रिलेशन के बेस पे वो लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मतलब एक्ट के हिसाब से जाए तो इट इज़ एडवाइसेबल फॉर रिटर्न फॉर्म, क्योंकि अगर आगे जाके फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो अगर हमने पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और वो भी रिटर्न फॉर्म में होगा, तो वो हम डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर ओरल फॉर्म में होगा तो हम इतना नहीं जा सकते और हमें कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, या रहेगा। नंबर 2 आएगा प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। मतलब हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। थर्ड है लीगल बिजनेस। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोला हूँ, कि जो भी बिजनेस दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर करते हैं, तो उनका बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल एक्टिविटी होना चाहिए। इलीगल टर्म्स या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए कभी भी कोई भी
पार्टनरशिप होती नहीं है, और होती है तो उसको हम वैलिड नहीं गिनते। इसलिए जो भी बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। फोर्थ, नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप हमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो अभी मैंने आगे बोला उसी तरह कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50, यह रहेगा मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। लास्ट में फिफ्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स इकट्ठा होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, सडनली कुछ टाइम के बाद अगर बिजनेस को लॉस होता है और पार्टनरशिप फॉर्म बंद करने की सिचुएशन में हो, तो फॉर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है हम सब एसेट्स बेच के सब आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हम क्या कर देते, पे कर देते। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास एसेट्स बहुत ही कम होती है और लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है, तो एसेट्स पूरी बेचने के बाद भी हम आउटसाइड लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाते, तब सब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट बेच के भी हमें वो लाइबिलिटीज क्या करनी पड़ती है, क्लियर करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप हम के माइनस पॉइंट है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर हम पूरा डेप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स बेच के भी हमें क्या करना पड़ता है, वो लाइबिलिटीज क्लियर करनी पड़ती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वन, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, बिना कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं होती है, फिर वो रिटर्न फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो। प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है तभी वो पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट होता है। थर्ड, जो भी बिजनेस होगा वो लीगल फॉर्म में होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप कभी होती ही नहीं है। नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी बोला, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मतलब फर्म की लाइबिलिटीज पे करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी हमें क्या करनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। क्लियर? अब मैं जा रहा हूं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, तो अभी मैंने आपको बोला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हम स्टार्ट करते हैं तो सब पार्टनर्स जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ टॉपिक पे क्या करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोग डिस्कस करते हैं। जो डिस्कशन होता है उसको अगर हम रिटर्न फॉर्म में रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बिकॉज मैंने अभी बोला कि पार्टनरशिप डीड ओरल फॉर्म में भी होती है और रिटर्न फॉर्म में भी होती है, लेकिन अगर वो रिटर्न फॉर्म में होगी तो वो हमारे लिए सूटेबल है कि अगर जाके अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो हम उसको आसानी से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो पार्टनरशिप डीड मतलब उसके अंदर जो मैंने नीचे डिटेल्स रखी है वो सब डिटेल्स सब पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करते हैं और एक पर्टिकुलर चीज पे वो लोग एग्री होते हैं और वो सब डिटेल्स एक स्टैम्प पे वो लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, और सब पार्टनर्स लास्ट में क्या करते हैं, अपनी खुद के सिग्नेचर्स करके उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिस्कस होता है। तो फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्स्ट डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी फर्म में जितने भी पार्टनर्स है तो वो पार्टनर्स का नाम, एड्रेस और उनका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा जाता है। दूसरा है डिटेल्स ऑफ फर्म, डिटेल्स ऑफ फर्म मतलब वो पार्टनर्स जब इकट्ठे होकर जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर बिजनेस का कोई ना कोई नाम होगा, तो वो फर्म का नाम आपको वो डीड के अंदर लिखना पड़ता है, दैट इज वो लीगल फॉर्मेलिटी से। थर्ड है टाइप्स ऑफ बिजनेस, हमने फर्म का नाम लिखने के बाद वो फर्म कौन से बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसिंग डिपार्टमेंट में है या कोई अदर एक्टिविटीज है, तो उसका बिजनेस का नेचर हमें यहाँ पे लिखना है, यह रहेगा। फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब भी हमारी पार्टनरशिप सब पार्टनर्स इकट्ठे हो गए जो भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सी डेट पे उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो डेट यहाँ पे लिखी जाती है डेट के अंदर। फिफ्थ था कैपिटल, ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल। जनरली जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स इंट्रोड्यूस होते हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ कैपिटल अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या करते हैं, वो लोग लेके आते हैं, लेकिन कैपिटल कितनी लेके आनी है वो सब पार्टनर्स इंटरनली डिस्कस करने के बाद ही वो लोग डिसाइड करते हैं। कुछ कैपिटल ज़्यादा भी लेके आते हैं, कुछ कैपिटल कम भी लेके आते हैं। स्टूडेंट्स कंपलसरी नहीं कि हर एक पार्टनर को कैपिटल लानी ही पड़े, कोई पार्टनर कैपिटल नहीं भी ला सकते हैं। अगर कोई पार्टनर अपनी स्किल अप्लाई करता है तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायर नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ब्रॉड कैपिटल इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? फिर आता है सिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये,
अगर सब पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल अप्लाई करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म वो सब पार्टनर्स को रिटर्न के फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। लेकिन वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम बन जाती है। स्टूडेंट्स प्लीज ये नोटिफाई करना, याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, और पार्टनर्स के लिए क्या होता है? इनकम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जो पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल प्रोवाइड की है तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो फर्म को पार्टनर्स को रिटर्न के फॉर्म में इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो सब पार्टनर्स ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई परसेंटेज डिसाइड किया है, सपोज 10%, 5%, 8%, तो उसी हिसाब से फर्म उसको एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। लेकिन अगर सब पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया और उसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के हिसाब से वहां पे फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या याद रखना, अगर सब पार्टनर्स ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड किया है, सपोज 5%, 10%, तो उस हिसाब से ही फर्म वो सब पार्टनर्स को रिटर्न के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ है तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। प्लीज ये याद रखना। उसके बाद आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हम ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं। उसी तरह सब पार्टनर्स को अगर उनको फ्यूचर में कभी भी पैसों की जरूरत हो तो वो पार्टनरशिप फर्म में से कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर तक कौन से पार्टनर कितने पैसे तक विड्रॉ कर सकते हैं, उसके एक लिमिटेशन सब पार्टनर्स इकट्ठा होके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करते हैं। याद रहेगा, उस अमाउंट डिसाइड होती है, उससे ज़्यादा वो लोग ड्रॉइंग्स नहीं कर पाते। याद रहेगा, पैसे विड्रॉ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उसकी एक लिमिट डिसाइड होगी, वो भी सब पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होगी। अब उसमें भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिस तरह पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइड करता है तो फर्म उसको रिटर्न के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, उसी तरह अगर कोई पार्टनर्स उसके पर्सनल रीजन की वजह से फर्म में से पैसा विड्रॉ करता है तो उसके बदले में पार्टनर्स को फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना पड़ता है। तो ये भी आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है। अगेन आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, याद रखना बराबर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना रखना है तो वो सब पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करेंगे और उसका रेट वो पार्टनरशिप रेट में डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने रेट डिसाइड नहीं किया है तो एज पर 1932 एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अप्लाई नहीं होगा, लाइक कैपिटल में था उसी तरह। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप फर्म है तो दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो गए तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमने लेसन 3 में और लेसन 4 में पढ़ा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हर एक पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब लोग पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। या रहेगा, मतलब वो लोग पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेंगे लाइक 2:2:1, 5:3:2 अपने हिसाब से। लेकिन एज पर 1932 एक्ट अगेन सब पार्टनर्स ने कौन से रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसा डिसाइड नहीं किया है तो वो सब इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से प्रपोर्शन में? इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन अगर उन्होंने पहले से प्री डिटरमाइन किया हुआ है तो वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया रेशियो डिसाइड नहीं किया है तो फिर सब पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टूडेंट्स ये 9 नंबर का पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्रांगली लर्न करना है क्योंकि सम के टाइम ये अप्लाई होगा। क्लियर। लास्ट 10 है नंबर सैलरी बोनस कमीशन टू एक्टिव पार्टनर। जनरली हर एक पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन सब पार्टनर जैसे कोई एक पार्टनर ऐसा भी होता है जो एक्टिव होता है, ज्यादातर वो ही पूरे बिजनेस को हैंडल करता है ऑपरेट करता है, सब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है, मतलब उसका वर्कलोड दूसरे पार्टनर्स के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सब पार्टनर्स पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं कि कोई पार्टनर जिसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही, साथ में उसको प्रॉफिट के अलावा सैलरी या बोनस या कमीशन देना है तो कितना परसेंट देना है।
तो वो भी यहाँ पे पहले से प्री डिटरमाइंड होगा। अगर बोला हो कि हर महीने इतनी सैलरी देनी है या एट द एंड ऑफ द ईयर उसको इतना कमीशन देना है, तो वही रेशियो पे होगा। अगर डिसाइड नहीं किया हुआ है तो 1932 एक्ट के हिसाब से एक्टिव पार्टनर को सैलरी बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा, याद रखना। इन लास्ट 11, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स। स्टूडेंट्स आपको पता है हर एक बिजनेस में कभी ना कभी पैसों की जरूरत होती है। ज़्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, बाहर बैंक या प्राइवेट फाइनेंसर के पास से क्या कर से पैसे बोरो करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ज़्यादातर जब भी पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत होती है तो पहले वो पार्टनर्स के पास से पैसे मांगेंगे। अगर पार्टनर्स के पास सफिशेंट फंड है तो वो एज अ लोन के तौर पर पार्टनरशिप फर्म को क्या करते हैं, पैसे लैंड पे देते हैं। अगर पार्टनर्स के पास पैसे नहीं है तभी वो लोग बाहर बैंक या प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाते हैं। तो एज पर पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो फर्स्ट किसके पास मांगेगी, पार्टनर्स के पास। अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी अप्लाई होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अप्लाई करना है, कितना परसेंटेज डिसाइड करना है, वो लोग पहले से पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेंगे, बराबर 10%, 8%, 5% जो भी हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से डिसाइड नहीं हुआ है तो एज पर 1932 एक्ट वो 6% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा, 6%। अगेन आई रिपीट, अगर पार्टनरशिप डील के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए वो डिसाइड नहीं हो उसका रेट, तो 1932 एक्ट के हिसाब से वो कितना परसेंट रहेगा, 6%। क्लियर? तो स्टूडेंट्स सम्स ओरिएंटेड आपको पार्टनरशिप डील की ये कंडीशन याद रखनी है, जिसके अंदर 9-11 नंबर का पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने जो आपको थियोरी एक्सप्लेन की, अब उसके बाद हम शॉर्ट सम्स पे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सम स्टार्ट कर उससे पहले मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको आगे बोला था कि ये सम लेसन का टोटल वेटेज 4 मार्क का है, जिसके अंदर एक मार्क का MCQ रहेगा और 3 मार्क का सम रहेगा। 3 मार्क का सम है इसलिए आपको पता चल जाएगा कि वो सम कैसा होगा, शॉर्ट सम होगा। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कुछ सम शॉर्ट सम से और बाकी के आगे के सम से थोड़े लॉन्ग सम से, वो लॉन्ग सम्स आपकी ये बोर्ड की एग्जाम में आते हैं नहीं है। जो वो जस्ट एक्सप्लेनेशन है कि पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के जो भी सम करने तो वो किस तरह की जाती है, तो उसकी नेट प्रैक्टिस के लिए होता है, तो आपको ये करना नहीं है। जब हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे तो वो सारे सम्स उसके अंदर ही आ जाएंगे। इसलिए आपको ओनली पेज नंबर 30 और 31 पे सम नंबर 3 है उसके अंदर 1 से 11 सम दिए, वही आपको करने, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करना नहीं है, यह रहेगा। सो स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग सम्स पे जाना नहीं है, इसमें ओनली सम 3 पे ही रहना है। अभी इसके अंदर 11 सम से मतलब आई थिंक 10 मेथड है। अब वो 10 मेथड में मैं रैंडमली एक एक मेथड ले रहा हूँ। अभी एक मेथड ले रहा हूँ कमीशन रिलेटेड सम्स। कमीशन रिलेटेड सम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार बोर्ड की एग्जाम में पूछी गई है, इवन लास्ट बोर्ड के एग्जाम में भी ये कमीशन रिलेटेड सम्स आया हुआ है। अभी जो मैं पहला सम कर रहा हूँ ऐसा ही सम पूरा लास्ट 2020 की बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, तो इसके लिए आपको उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कमीशन रिलेटेड सम से वो कैसे पता चलेगा, जब भी आप सम्स के डिटेल्स पढ़ोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमीशन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो कमीशन रिलेटेड सम्स है। लेकिन कमीशन के रिलेटेड सम्स को हमें दो टाइप की कैटेगरी में बाइफर्केट करना है। कितनी कैटेगरी में, दो टाइप की। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन। जब भी आप सम पढ़ोगे और सम के अंदर कमीशन वर्क की डिटेल्स होगी लेकिन उसके साथ आपको फर्म का प्रॉफिट दिया गया हो, फर्म का प्रॉफिट दिया गया हो, तब ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है, कमीशन इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है रेट, याद रहेगा। अगेन आई रिपीट, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन, आप सम जब पढ़ रहे हो तो सम के अंदर अगर फर्म का प्रॉफिट दिया है और कमीशन निकालना है तो कमीशन की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, याद रहेगा। और दूसरी सिचुएशन है When profit of the firm is not given, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर given था firm का और यहाँ पे not given है, but profit of any partner is given। Again I repeat, जरा ध्यान से,
व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, फर्म का प्रॉफिट दिया नहीं हो, बट प्रॉफिट ऑफ एनी पार्टनर इज गिवन, सब पार्टनर में से कोई एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया हो, तो आपको सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करनी है, कमीशन इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। दोनों में माइनर डिफरेंस ये प्लस रेट का यह रहेगा। मतलब दोबारा बोल रहा हूँ 2 मिनट कि अगर फर्म का प्रॉफिट दिया है तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन कोई पार्टनर में से कोई एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया हो तो आपको सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्लियर। अब मैं एक सम ले रहा हूँ, सम नंबर 3 पेज नंबर, सम नंबर 3 के अंदर सम नंबर 2 है, क्योंकि सम नंबर 3 के अंदर टोटल 11 सम है, वही 11 सम आपको करने हैं, जिसमें सभी मैं सम नंबर 2 ले रहा हूँ पेज नंबर 30। पहले ये सम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ये सम पूछा गया है और उससे पहले भी बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इवन स्कूल के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ये सम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे स्टेप्स लिखे हुए, पहले आप स्टेप समझ लो जिससे आपको सम गिनने में आसानी रहे और आप अपने दिमाग में स्टेप डाल दो, बस स्टेप के हिसाब से ही फॉलो करो, आपका सम आ जाएगा। जब भी आप सम स्टार्ट करो तो पहले आपको सम पढ़ना है, सम में जितने भी पार्टनर्स थे वो पार्टनर्स का नाम लिखना है। पार्टनर्स बोला है तो मैंने अभी आपको बोला मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, या तो 2 पार्टनर होंगे या तो 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर उसका नाम लिखना है। फिर अगर सम में पीएनएल रेशियो दिया हो तो वो लिखने का हो गया, मतलब पहला स्टेप पार्टनर्स का नाम और दूसरा पीएनएल रेशियो लिखने का हो गया। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे जाना है, कमीशन निकालना है। कमीशन निकालना हो तो उसकी फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, याद रहेगा। ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जब फर्म की प्रॉफिट दिया होगा तभी यूज करनी है, टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्लियर। कमीशन निकाल लो, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कमीशन निकाल लेने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है वही डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट सब पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकालना कंपलसरी, क्योंकि हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट भी निकालना है, इसलिए हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद हमें जो भी पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर्स, क्योंकि आपको सब में जो पार्टनर्स का करना है उसका प्रॉफिट और कमीशन दोनों निकालना है। तो ये स्टेप को हमें आसानी से इजी रहेगा और आपको फॉलो करना है। टोटल कितने स्टेप बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 स्टेप में आपका सम क्लियर हो जाएगा। सम स्टार्ट करें, हम सम्स की डिटेल ध्यान से पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से, साथ में टेक्स्ट बुक लेना और हाथ में पेंसिल भी लेना। देखो सम नंबर 2 आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, ध्यान से पढ़ा, अमृता एंड दिव्या, यानी ये समय 2 पार्टनर्स दिया है, अमृता एंड दिव्या। Their capital ratio is 3:2, please underline करना, their capital ratio is 3:2, किया? Amruta is to be paid 8% commission on net profit, 8% commission के नीचे underline करो, 8% commission के नीचे, किया? मैंने बोला था, जब भी commission word आए, तो हमारे ये 2 method में से कोई एक method होगी, या रहेगा, तो 8% commission के नीचे underline किया, on net profit, after deducting of such commission. What amount will be, अब मैं बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करना, What amount will be received by Amruta, received by Amruta, if profit of the year is 96,876, मतलब आपको profit दिया है फर्म का, अंडरलाइन करना, profit दिया है फर्म का, तो उसमें से Amruta को लास्ट में कितना पैसा मिलेगा। स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान से वो सम्स की डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको 2 पार्टनर्स दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, कमीशन आपको अमृता को देना है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड में, याद हो तो पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर होगा तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और कमीशन भी मिल सकता है, सैलरी भी मिल सकती है। तो यहाँ पे अमृता एक्टिव पार्टनर होगी तो उसको प्रॉफिट के साथ साथ आपको क्या देना है, कमीशन देना है। कमीशन कितना परसेंट बोला हुआ है, 8%। तो लास्ट में आपको बोला कि अल्टीमेटली अमृता को प्रॉफिट के साथ कमीशन की टोटल कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए वो आपको ढूंढना है, और आपको लास्ट में प्रॉफिट दिया है 96,876, दैट प्रॉफिट इज फर्म्स प्रॉफिट, मतलब टोटल फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर। तब हम सम स्टार्ट करें, जरा ध्यान से देखो। तो फर्स्ट मेरा स्टेप क्या है, पार्टनर्स नेम, क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स नेम। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 पार्टनर दिए, कौन कौन से, यस अमृता एंड दिव्या, क्या दिया है, अमृता एंड दिव्या। स्टूडेंट्स खुद समय 3 पार्टनर भी दे सकते हैं, अभी मैंने पार्टनर्स नेम क्या रखा हुआ है, अमृता एंड दिव्या। क्लियर। अब सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड उसके अंदर पीएनएल रेशियो चाहिए।
आप स्टूडेंट्स बहुत यहाँ पे जल्दी से करोगे तो गलती हो जाएगी। मैंने अंडरलाइन करवाए 3:2:2 दैट इज योर कैपिटल रेशियो। देखो उसके आगे कैपिटल रेशियो दिया है, जान बुझ को आपको ये सब रॉन्ग करवाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लिखने की जगह कैपिटल रेशियो भी लिख सकते हैं। हमें कैपिटल रेशियो नहीं चाहिए, मतलब ये कैपिटल रेशियो को आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, जान बुझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे ये सब में पीएनएल रेशियो दिया ही नहीं है। ध्यान से पूरी डिटेल्स पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पीएनएल रेशियो दिया ही नहीं है। तो याद हो तो अभी मैंने पार्टनरशिप डीड एक्सप्लेन की थी, उसमें बोला था जब भी कोई भी पार्टनरशिप डीड में या कोई भी सम के अंदर पार्टनर्स के बीच में कोई भी पीएनएल रेशियो नहीं दिया हो, अगेन आई रिपीट, पार्टनरशिप फर्म के कोई भी सम्स के अंदर अगर पीएनएल रेशियो नहीं दिया हो तो आपको इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से प्रपोर्शन में? इक्वल प्रपोर्शन में, याद रहेगा। अगर सम में पीएनएल रेशियो नहीं दिया है तो आपको इक्वल प्रपोर्शन दिया है तो फिर वही रेशियो। अब यहाँ पे दो पार्टनर है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल प्रपोर्शन मतलब 1:1, क्या लिखेंगे 1:1। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हमने क्या किया, एज्यूम किया। क्या किया? एज्यूम किया। अगर तीन पार्टनर होता तो मैं 1:1:1 लिखता, दो पार्टनर जिससे मैंने क्या लिखा 1:1, अगेन क्लियर, पार्टनर्स नेम लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा पीएनएल रेशियो, पीएनएल रेशियो नहीं दिया था इसलिए मैंने क्या किया 1:1 एज्यूम करके लिखा है, हो गया। अब मेरा सेकंड स्टेप आएगा कमीशन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको फर्म का प्रॉफिट दिया है, सबसे लास्ट दिया है 96,876 लिखा हुआ है, तो फर्म का प्रॉफिट दिया है तो ये फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट दैट इज फर्म्स प्रॉफिट। तो आपको कितने अमाउंट दिए 96,876 और सम में आप देखोगे तो रेट ऑफ कमीशन आपको दिया है 8%। तो आपको क्या करना है इनटू 8/100+8 याद रहेगा, मतलब क्या होगा 96,876 इंटू 8/108 क्या लिखोगे 108 कैसा है 100+8 मतलब अब ये तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 108 करोगे तो 7176 अमाउंट आएगी। कितनी आएगी 7176। अगेन आई रिपीट सेकंड स्टेप क्या होगा कमीशन, कमीशन कैसे मिलेगा टोटल प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन। टोटल प्रॉफिट आपको समय दिया है 96,876 इंटू समय देखोगे तो रेट ऑफ कमीशन दिया है 800 इसलिए परसेंटेज की साइन नहीं करे, जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना 8/100+ रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना था 8, वो मैंने लिखा 96,876 इंटू 8, 100+8 करूंगा तो 108। अब दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 108 करने से कितनी अमाउंट आएगी 7176 हो गए। अब मेरा थर्ड स्टेप आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट मतलब फर्म का प्रॉफिट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना था 96,876, कितना था 96,876, उसमें से मेरे को पार्टनर्स कमीशन कितना माइनस करना था 7176, कितना माइनस करना है 7176, तो आपका आंसर आएगा 89,700। कितना आएगा 89,700। डिविजिबल प्रॉफिट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, टोटल प्रॉफिट में से मैंने कमीशन माइनस किया तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, मैंने यहाँ पे तो प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स लिखा है लेकिन आपको क्या लिखने का प्रॉफिट ऑफ अमृता, क्या लिखने का, क्योंकि आपको समय तो अमृता बोला है ना इसलिए, तो प्रॉफिट ऑफ अमृता। अब डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना था 89,700, कितना था 89,700 जो मैंने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया याद है ना, इनटू आगे जो लेसन 3 और लेसन 4 में करते थे उस तरह हमारा पीएनएल रेशियो क्या दिया है 1:1, अगेन आई रिपीट एक्सप्लेन कर रहा हूं 1:1 मतलब 1+1 क्या हुआ 2, तो अमृता का सर कितना था 1, तो 1/2 याद है ना, तो 89,700 इंटू 1/2 करोगे तो कितनी अमाउंट आएगी 44,850, कितना आएगा 44,850 डन। 89,700 को अमृता के 1 + 1 कितना होता है 2, तो 1/2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना है 44,850। और लास्ट में आपको पूछा हुआ है क्या कि व्हाट अमाउंट इज रिसीव बाय अमृता, तो अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर की जगह मैं क्या लिखूंगा अमृता, क्या लिखूंगा अमृता, सिंपल स्टेप फॉलो करो इजी रहेगा, अमाउंट रिसीव बाय अमृता, तो अमृता को पार्टनर इसके उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और कंडीशन के हिसाब से उसको कमीशन भी 8% मिलेगा, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा तो 44,850
44,050 प्लस कमीशन हमने उसका कितना निकाला था 7176, क्या आएगा 7176, तो उसकी टोटल अमाउंट आएगी 52026, क्या आएगा 52026। डन, समझ में आ गया। बस आप 5 स्टेप फॉलो करो, आपका सम बहुत ही इजी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, उसके अंदर अमाउंट सेट करो। ये मैंने सम नंबर 2 करवाया हुआ है, अगेन आई रिपीट, उसमें आपको 5 स्टेप जाना है। पार्टनर से पहले पीएल रेशियो सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कमीशन, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, लास्ट में प्रॉफिट ऑफ अमृता या जो भी पार्टनर हो, और अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। क्लियर, ये जो मैंने सम करवाया है सम नंबर 2, ऐसा ही आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 2 करना है। क्या करना है, इलस्ट्रेशन 2, सेम सम सम नंबर 2 करवाया है, ऐसा ही इलस्ट्रेशन 2 आपको होमवर्क में करना है। अब मैं दूसरा सम करवा रहा हूं, मैंने जो भी सम लिया है वो हमारी फर्स्ट मेथड वाला था, मतलब व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन, याद रहेगा। अब मैं ऐसा सम करवा रहा हूँ जहाँ पे फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन कोई पार्टनर का प्रॉफिट दिया, तो वो सम किस तरह सॉल्व करेंगे देखो। तो हम जा रहे हैं सम नंबर 3 पेज नंबर 31, सम नंबर 3 के अंदर, 3 के अंदर थर्ड नंबर का सम पेज नंबर 31। एक बार हम सम जरा ध्यान से देख लेते हैं, ओके देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 पे आपको सम की डिटेल्स दी है। देखो विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल, आगे अब यह ये समय 3 पार्टनर्स है, आगे के समय कितने पार्टनर थे, 2। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरलाइन करना, प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। आगे के समय कैपिटल रेशियो दिया था और ये समय क्या दिया हुआ, पीएनएल रेशियो, मतलब यहाँ पे रेडीमेड पीएनएल रेशियो दे दिया है, दिया है तो वही लेने का, अगर नहीं दिया है तो मैंने अभी बोला था इक्वल प्रोपोर्शन, याद है ना। आगे देखो मैं बोलूं उसके नीचे अंडरलाइन करो, मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन, वापिस 10% कमीशन उसके नीचे अंडरलाइन करो, मतलब ये कमीशन वाला समय आपको पता चल गया। ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत, अब मैं बोलूं उसके नीचे अगेन अंडरलाइन करो, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज ₹30,000, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज ₹30,000, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। अगर आपने अंडरलाइन किया है तो ध्यान से पढ़ो, दोबारा 2 मिनट दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे कमीशन वाला सम है, सम्स की डिटेल ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन 3 पार्टनर में से जो मिडल में जो अभिजीत है वो पार्टनर का आपको प्रॉफिट दिया है, तो सूट हो रहा है हमारे एडी के साथ। देखो व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन बट प्रॉफिट ऑफ एनी पार्टनर इज गिवन, तो यहाँ पे अभिजीत का प्रॉफिट दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, कमीशन इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, मतलब ऊपर वाली जैसा ही लेकिन माइनर चेंज। क्लियर है बात, तो अब हम सम स्टार्ट करें, देखो ध्यान से, तो हम पहले लिखेंगे पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स नेम क्या है, विस्मय, अभिजीत, एंड कुणाल, वापिस पार्टनर्स नेम हमने लिखा क्या आया, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल। अब ये समय उसका पीएनएल रेशियो दे दिया है, स्टूडेंट्स हर बार पीएनएल रेशियो लिखने की हैबिट डालना जिससे आपका सम रॉन्ग नहीं हो। फर्स्ट लाइन में लास्ट में दिया है आपको पीएनएल रेशियो, क्या दिया है 3:2:4, यह रहेगा। अब फर्म का तो प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन इंडिविजुअल पार्टनर का प्रॉफिट दिया है, वो भी एक ही पार्टनर का। आप थर्ड लाइन में देखो, मैंने अंडरलाइन करवा दिया, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000, कितना दिया हुआ है 30,000, मतलब अभिजीत का प्रॉफिट दिया है, हो गया। तो आपको बाकी के 2 पार्टनर्स का प्रॉफिट दिया नहीं है, क्लियर। दोबारा बता रहा हूं, पार्टनर्स नेम दिया है विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल, उसका पीएनएल रेशियो दिया है 3:2:4। अब
यहाँ पे तीन पार्टनर में से एक पार्टनर का प्रॉफिट समय दे दिया है और विजिट कर दिया है 30,000, तो वो मेरी सेकंड कंडीशन के साथ सूट हो रहा है ना, कि फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन कोई एक पार्टनर का प्रॉफिट लिया है, बराबर। अब ये सम मैं आपको दो सिचुएशन से बता रहा हूँ, आपको जो इजी लगे वो मेथड करना। अब यहाँ पे आपको एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया है, अब मेरे को बाकी के दो पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। बाकी के दो पार्टनर का मैं प्रॉफिट निकालूंगा कि वो दोनों के साथ मेरा ऑलरेडी थर्ड तो है, तो मैं तीनों पार्टनर का टोटल लगाऊंगा तो मेरे को टोटल प्रॉफिट मिलेगा जो होता है फर्म का प्रॉफिट। फिर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट क्या होता है, कमीशन मिल जाता है। अब मैं प्रॉफिट निकालने की दो सिचुएशन बता रहा हूँ। फर्स्ट आपको जो सुटेबल लगे, क्या पहले हम क्या करेंगे, अभिजीत का रेशियो एंड प्रॉफिट क्या लिखेंगे, रेशियो एंड प्रॉफिट चेक करो। अभिजीत का रेशियो कितना था, दो, तब उसका प्रॉफिट कितना था, 30,000। कितना था अभिजीत का रेशियो, दो था तो उसका प्रॉफिट कितना था, 30,000। तो अब हमें विस्मय का निकालना है, तो विस्मय का रेशियो कितना था, 3, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या होगा, 30,000 × 3/2, तो आपको विस्मय का प्रॉफिट मिलेगा कितना आएगा, 45,000। मतलब मैंने विस्मय का प्रॉफिट निकाला कितना आया, 45,000। उसी तरह कुणाल का प्रॉफिट निकालना है, तो ये सेम सिचुएशन से करेंगे, अगेन रेशियो एंड क्या आएगा, प्रॉफिट। हम अभिजीत के बेस पे ही रहेंगे, अभिजीत का रेशियो कितना था, 2, तो उसका प्रॉफिट कितना था, 30,000। क्लियर, तो कुणाल का प्रॉफिट कितना था, रेशियो 4 था, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या आएगा, 30,000 × 4/2, 30,000 × 4/2 क्रॉस, याद है ना आपको, इस तरह क्रॉस करने का, तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। कितना आएगा, 60,000, मतलब इसका भी मेरे को प्रॉफिट मिल गया। अगेन आई रिपीट, पार्टनर्स का नाम लिखा, पीएनएल रेशियो लिखा, प्रॉफिट लिखा, एक पार्टनर का प्रॉफिट था तो मैंने बाकी के दो पार्टनर का प्रॉफिट निकाला, किस तरह निकाला, रेशियो के बेस पे। अगेन अभिजीत का रेशियो 2 था तो उसका प्रॉफिट 30,000 था, तो विस्मय का रेशियो कितना था, प्रॉफिट का 3, तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा, 45,000। क्लियर, उसी तरह अभिजीत का रेशियो 2 था तो उसका प्रॉफिट 30,000, तो 30,000, तो 4 पे कितना, तो मैंने कितना निकाला, 60,000। अब उसके हिसाब से मैं क्या निकालूंगा, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट, तो विस्मय का प्रॉफिट कितना था, 45,000 जो मैंने अभी फाइंड आउट किया, अभिजीत का आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 30,000, एंड कुणाल का प्रॉफिट आपको कितना हमने फाइंड आउट किया, 60,000। अब ये तीनों का टोटल लगाओगे तो टोटल आएगा 1,35,000, टोटल आएगा 1,35,000। क्लियर, टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब मैं अपनी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्या आएगा, अब यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन निकालना है, क्या निकालना है, मैनेजर्स कमीशन, तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो देखो मेरा टोटल प्रॉफिट मैंने कितना निकाला, 1,35,000, कितना निकाला, 1,35,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन, कितना परसेंट बोला हुआ है, 10% बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, 10%, तो इंटू 10 अपॉन क्या होगा, 100, तो आपका मैनेजर्स का कमीशन कितना आएगा, 13,500। क्लियर, मतलब एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया तो उसके हिसाब से हमने बाकी के दो पार्टनर का प्रॉफिट निकाला, बाकी के दो पार्टनर का प्रॉफिट निकल जाए तो फिर हमने तीनों पार्टनर का प्रॉफिट का क्या किया, टोटल लगाया और उस पर हमने कमीशन गिना। क्लियर।